हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आगे के वीडियो में हमने पाठ की समझ ली, अब हम अभ्यास देखेंगे। चलो यहाँ क्वेश्चन वन। तो इस कहानी में तीन चित्र दिए गए हैं, हर एक चित्र के संदर्भ में वर्णन लिखिए। तो ये आपको लिखना नहीं है, तीन चित्र दिए गए ना, तो अभी हमने वर्णन किया, आपको समझाया आगे के वीडियो में। चलो क्वेश्चन टू। मुहावरे के वाक्य प्रयोग के बारे में सही विकल्प चुनिए। आपको यहाँ मुहावरे और उनके अर्थ दिए हैं, सिर्फ सही वाक्य कौन सा है ये चुनकर यहाँ आपको बॉक्स में लिखना है। तो चलो देखते हैं। फुला न समाना तो अत्यंत खुश होना, उसका अर्थ है। चलो इसमें से हर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण फूला न समाया, ये हो सकता है कि आप परीक्षा में फेल हो जाओ और खुश हो जाओ। चलो दूसरा। मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए फूली न समाई। चलो थ्री। सेठ पांचन की जायदाद लूट गई इसलिए फूले न समाए। चलो मोनाली प्रथम आई इसलिए खुश हो गई, सेठ पांचन की जायदाद लूट गई इसलिए वे खुश हो गए। तो कौन सा आएगा? मोनाली वाला, क्योंकि उसका प्रथम नंबर आया था। इन दोनों वाक्य में आप देख रहे हो कि ये अनुत्तीर्ण हुआ है और उसकी जायदाद चली गई है, तो क्या वो खुश हो गए, फूले नहीं समाएंगे? तो क्या आएगा? ख। चलो दूसरा। ऊंचे चढ़ना यानी प्रगति करना। चलो पहला है, दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। दूसरा, हितेश एक ही परीक्षा में दो साल रहकर ऊंचे चढ़ना चाहता है, एक ही कक्षा में, एक ही क्लास में दो बार रहे तो ऊंचे चढ़ना कहते हैं, उसे प्रगति करना। चलो, बच्चे पेड़ पर ऊंचे चढ़ने का खेल खेलते हैं। चलो इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स? को आएगा। क्या करना चाहती है दीपाली? अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। चलो नेक्स्ट पेज। अभिवादन करना। अभिवादन करना मतलब सत्कार करना। चलो देखते हैं। आयुष ने वक्तृत्व स्पर्धा अच्छे वक्तव्य दिया इसलिए अपने पिता दर्शन कुमार उसका अभिवादन किया। आयुषी ने क्या किया कि वक्तृत्व स्पर्धा थी, बोलने की जो स्पर्धा होती है कुछ विषय के बारे में बोलना, तो उसमें अच्छा वक्तव्य दिया, अच्छी स्पीच दी, तो उसके पिता दर्शन भाई ने क्या दिया, उसका दर्शन कुमार ने अभिवादन किया। तनिष आम खा रहा था इसलिए उसके मित्र ने उसका अभिवादन किया। शिल्पा दौड़ में हार गई इसलिए उसकी मम्मी ने उसका अभिवादन किया। चलो हार गई तो मम्मी अभिवादन करती है, चलो आम खाते हैं तो मित्र अभिवादन करता है, तो क्या आएगा? वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तृत्व दिया इसलिए उसके पिताजी ने उसका अभिवादन किया, वो आएगा। तो इसमें आएगा क। चलो चित्र देखकर कहानी कहो। ये कहानी सबको आती है ना स्टूडेंट्स? मुझे पता है कि ये कहानी सबको आती है, कि ये कछुआ और खरगोश, इसमें जो खरगोश होता है वो कैसा होता है? घमंडी होता है, उसको अपने ऊपर बहुत घमंड होता है। तो एक बार उसे पता होता है कि मैं ज्यादा तेज भागता हूं, तो वो कछुए से क्या लगाता है? शर्त लगाता है ना, और दोनों में शर्त हुई, स्पर्धा हुई। तो खरगोश से यहां दूसरे पिक्चर में देख रहे हो कि खरगोश बहुत तेज दौड़ रहा था, और उसने दौड़ते दौड़ते पीछे देखा तो जो कछुआ था बहुत दूर था, तो उसने क्या सोचा कि चलो ना, मैं ये झाड़ है, पेड़ है, तो उसके नीचे आराम कर लूं। तो वो
आराम करने के लिए बैठा, लेकिन क्या हो गया, उसे गहरी नींद आ गई तो वो सो गया। और कछुआ धीरे धीरे आगे चला गया और जहां लक्ष्य था वही पहुंच गया। और इसमें कछुआ होता है वो जीत जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है मैं जब भी आपको भेजू तब आपको ये कहानी अपनी ऐसे की नोट में लिखनी है, एग्जाम में ये आएंगी तो अपने ऐसे की नोट में लिख देना आप। चलो आगे, इस कहानी के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाकर लिखो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। चलो नेक्स्ट पेज, स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न वन, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खरगोश के बिल कहाँ थे? चलो कहाँ थे खरगोशों के बिल? तो खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। खरगोशों के जो बिल थे वो सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। चलो दूसरा, खरगोशों का सरदार क्या बोला? तो खरगोशों का सरदार बोला, क्या बोलता है, हम चांद के भांजे हैं, मामा रोज सरोवर में हमें मिलने आते हैं, वे आपसे नाराज है, ऐसा बोलते हैं ना। तो खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं, मामा रोज सरोवर में हमें मिलने आते हैं, वे आपसे नाराज है। चलो आगे, पूर्णमासी का चांद कैसा होता है? तो पूर्णमासी का चांद गोल होता है। कैसा होता है? गोल है, पूर्णमासी का चांद गोल है। फोन नंबर, तालाब में क्या दिख रहा है? तो तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? चांद वॉलरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। चांद तो दिख रहा है पर कैसा दिख रहा है? लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा हो ऐसा दिख रहा है। चांदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? तो चांदा मामा से माफी सरदार, हाथियों का सरदार मांग रहा है। कौन मांग रहा है? हाथियों का सरदार। चलो मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। There was wet soil on the bank of the lake. There was wet soil on the bank of the lake. दूसरा, हम चांद के भांजे हैं। तो उसका मातृभाषा में अनुवाद, वी आर द नेफ्यूज ऑफ द मून। वी आर द नेफ्यूज ऑफ द मून। चलो तीसरा, हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। तो देयर वेर mischievous, या देखो mischievous elephants in the elephants herd. There were some mischievous elephant in the elephant herd. Next, खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। The leader of the rabbit thought of an idea. The leader of the rabbit thought of an idea. चलो क्वेश्चन थ्री, संदर्भ पुस्तक पढ़कर पता करो और लिखो कि पूर्णमासी कब होती है और समावस्या कब।
तो स्टूडेंट्स ये आप अपने मम्मी और पापा से पूछ लेना। तो आपको अभ्यास में कुछ नहीं लिखना, लेकिन जो हमारी वो स्टोरी थी कहानी, वो आपको सिर्फ ऐसे की नोट में लिखनी है जब मैं भेजू तब। और स्वाध्याय में क्वेश्चन वन और टू लिखना है आपको, क्वेश्चन वन एंड टू अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।